गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो पहले आज टॉपिक हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मोर सेमेस्टर पर भी। ओके, तो टॉपिक हूँ डाटा टाइप इन सी प्लस प्लस। ओके, तो डाटा टाइप तो देखा हमें, तो फर्स्ट देखा हमें डाटा कौन। डेटा तो जानी समस्ते सिंपल द र फैक्ट एंड फिगर को आम डेटा कहुचे। तो आम जो प्रोग्राम करूचे तो आम प्रोग्राम रे किसी डेटा टाइप्स यूज करूचे, वेरिएबल्स यूज करूचे, कॉन्स्टेंट यूज करूचे। ओके, बहुत गुड़े कीवर्ड्स खाली देखी कंपोनेंट्स टोकेन्स देखी आम कौन कौन यूज करूचे। से टोकेन्स रो गोटे पार्ट होचे हमर कौन ना डाटा टाइप। ओके, तो देख तो डाटा टाइप जानवा आगर फर्स्ट जानवा वेरिएबल। ओके, एज अ मैथ स्टूडेंट तुम्हें वेरिएबल को सब बड़े यूज करूब, सब जगह तुम्हें यूज करोसी मैथमेटिकल प्रोब्लेम जिते बड़े आसा आम वेरिएबल यूज कर लेट इट बी एक्स एक्स वाई ए बी सी दिज आर द कॉमन वेरिएबल बट वी आर यूज इन मैथमेटिक्स। ओके, वेरिएबल मैंने तो समझ जानते वेरिएबल मैंने कौन जार वैल्यू फिक्स ना। ओके, तो जार कि आइडेंटिटी ही ना, तो ये वेरिएबल को आइडेंटिटी देवाई एंड वेरिएबल को जिते बड़े डिक्लार करवा। ओके, तो से टाइम आमर कौन यूज कराए वेरिएबल को गोटे नेम देवाई गोटे टाइप देवाई आमर डेटा टाइप यूज कराए। तो ये कौन अच्छी ना ऑल वेरिएबल यूज डाटा टाइप ड्यूरिंग द डिक्लेरेशन टू रेस्ट्रिक्ट द टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड। ओके, तो वेरिएबल कौन करे जिते बड़े डिक्लेयर करू प्रोग्राम रे सेते बड़े गोटे वेरिएबल सहित डाटा टाइप रहा निहाती दरकार। जमीक सपोज तुम्हें ये कह सपोज आम गोटे डिक्लेयर कले वेरिएबल आम गोटे डिक्लेयर करे ए एटा को टाइप वेरिएबल किसी जना पड़ी ए यार मीनिंग किसी आसूसी कौन सी भी मीनिंग आसूनी यहाँ को टाइप वेरिएबल सिंपल जब ब्लैकबोर्ड रे ए लिखा होता मैंने आम कौन जानचे ना ए हूँ कौन गोटे सिंपल गोटे अल्फाबेट। वेट अ मिनिट, नोट पैड टा ओपन करे मैं। तो देख सपोज ये आम डिक्लेयर कले वेरिएबल गोटे सपोज ये ए बोले डिक्लेयर कराला, तो देख ये आमर जना भी पड़ूनी जे एटा को टाइप वेरिएबल बोली आम जना पड़ूनी। तो सिंपल जो ब्लैकबोर्ड लिखा हे ए ता माने कौन जहाँ को भी पचार से कौन कह अल्फाबेट एर कि आइडेंटिटी ना एर एटार एर किसी भी वैल्यू ना फिक्स वैल्यू ना जो मानकर फिक्स वैल्यू न था आम कौन कहूँ ना वेरिएबल कहुचे। तो डाटा टाइप कौन डाटा टाइप हूँ कौन ना गोटे टाइप ऑफ डाटा व्हिच इज यूज टू डिफाइन ए वेरिएबल गोटे वेरिएबल को डिफाइन करने आम डेटा टाइप यूज कराऊ। सपोज मुझे ये इनिशियलाइज कली ए इक्वल टू 10 ए इक्वल टू 10 इनिशियलाइज कराला ता माने जिते बड़े कहब ये ए कौन एबे जदि ए कौन बोली क्या भी पचार हे ताले से कहीपर कौन ए होची गोटे वेरिएबल आम जे पर्यंत ए रे किसी वैल्यू इनिशियलाइज करे से पर्यंत आमर ए रोसी आइडेंटिटी ही ना। तो आम जो प्रोग्राम करूचे प्रोग्राम में तो स्टार्टिंग रे आमे वैल्यू दिया हबनि आम कौन निब तो र वेरिएबल आम कि एंड वेरिएबल को यूज करके आम फंक्शन हम। ओके, तो ये जिनस को अचीव करने वेरिएबल को किसी नेम देवाई साइज देवाई आइडेंटिटी देवाई आम कौन यूज हो डाटा टाइप यूज कराऊ। ओके, तो नेक्स्ट देखीद कौन अच्छी देयरफॉर वी कैन से दैट डाटा टाइप आर यूज टू टेल द वेरिएबल वेरिएबल द टाइप ऑफ डाटा इट कैन स्टोर। ता माने जिते बड़े आम डाटा टाइप यूज करवा तो डाटा टाइप वेरिएबल सहित यूज कला ही आम जापर जे से वेरिएबल आम को टाइप डेटा स्टोर करके रखा। सपोज जमी कहली तुमको जो ए इक्वाल टू मुते दे 10 कि 20 देली ता माने ए रे को टाइप रो वेरिएबल हमरो स्टोर हे कि रहिला ना गोटे इंटीजर टाइप वेरिएबल हमरो स्टोर हे कि रहिला। जदि सिंपल किछि भी रहि न थांदा देन ए इज अ अल्फाबेट। नेक्स्ट देखिबा डाटा टाइप किमिति हमरो यूज होची डाटा टाइप कोन कोन अछि जानि लखो। ओके,
देखो, व्हेनेवर ए वेरिएबल इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस द कंपाइलर एलोकेट सम मेमोरी फॉर ए फॉर दैट वेरिएबल ओके बेस्ड ऑन द डाटा टाइप। देखो आम जो डाटा टाइप यूज करवा डाटा टाइप रो जहाँ भी आमर डाटा टाइप अच्छे तार गोटे फिक्स साइज थाए एंड कंपाइलर आम जो किसी डाटा टाइप यूज करूचे क्या सहित वेरिएबल सहित से कंपाइलर कौन कर किसी मेमोरी साइज आलोकेट कर कहाँ को आलोकेट करुच्छे ना पर्टिकुलर से डाटा टाइप सहित वेरिएबल को किसी साइज आलोकेट करुच्छे एंड से साइज अनुसार आम डेटा वेरिएबल रे स्टोर ओके देन डेटा टाइप रिक्वायर अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी आम जो डेटा टाइप अच्छे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप अच्छे जमीक गोटे सपोज क्यारेक्टर रखा हे गोटे तुम्हें नेम रखा चाहूँ सपोज तुम्हें चाहूँ कि इंटीजर वेरिएबल स्टोर करने को रखापी कि डेसिमल वैल्यू स्टोर करने चाहूँ कि फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करने को चाहूँ से सब आमर डाटा टाइप कौन रुहे ना अलग अलग डेटा टाइप समस्त रही था ओके एवं नेक्स्ट देखिए आम टाइप ऑफ डाटा टाइप जनरली आम डाटा टाइप हूँ थ्री टाइप फर्स्ट हूँ यूजर डिफाइन सॉरी बिल्ट इन डाटा टाइप और आपको कौन कहती ना प्रिमिटिव डेटा टाइप नेक्स्ट आसो डेराइव डाटा टाइप एंड यूजर डिफाइन डाटा टाइप तो डाटा टाइप आम क्वेश्चन रे आसे तुम जो सेमिस्टर क्वेश्चन रे भी आसी पारे डाटा टाइप कौन एंड डिस्कस ऑल टाइप्स ऑफ डाटा टाइप तो तुमको कौन करिया को पड़ो डाटा टाइप कहीं यूज हो सहित यूज मेंशन करिया को पड़ो डायग्राम भी करिया को पड़ो ता सहित डायग्राम करवा निहाती दरकार नहीं बट कले भल कहीं तुम्हें जापर कौ डाटा टाइप अंडर कौन कौन डाटा टाइप अच्छे ओके तो फर्स्ट देखा आम ना प्रिमिटिव डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप देखो बिल्ट इन डाटा टाइप कौन कौचि ना कौन कौन अच्छे इंट कैर फ्लोट डबल बुलेन वॉइड वाइड कैरेक्टर ओके तो प्रिमिटिव डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप कौन कौच दिस डाटा टाइप्स आर बिल्ट इन और प्रिमिटिव डाटा टाइप एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर अ वेरिएबल तमाने कौन ना ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप अच्छी ए प्रिमिटिव डाटा टाइप ऑलरेडी आमर सी प्लस प्लस रे स्टोर होके अच्छे कंपाइलर रे स्टोर होके अच्छे यूजर कौन कर डायरेक्ट ताको यूज कर जेकोसी वेरिएबल जिते बड़े यूज करवा से आम यूज करवा टाइप रे सब डाटा टाइप ये कौन अच्छे नाइंट कैर तो कौ कौ डाटा टाइप अच्छे आमर नाइंटीजर टाइप डाटा टाइप क्यारेक्टर डाटा टाइप बुलेन डाटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप डबल फ्लोटिंग पॉइंट वॉइड डाटा टाइप एंड वाइड कैरेक्टर डाटा टाइप जमीक एवं देख जिते बड़े मुझे एटा को डिक्लेयर कर नेम ना सपोज मुझे इंट ए सिंपल दे देती इंट ए एंड सेमिकोलन देने कौन ए हूँ गोटे वेरिएबल एंड तार डाटा टाइप हूँ कौन इंट ताने यहाँ जी भी देख जापर जे जो ए वेरिएबलटा अच्छी ए वेरिएबल रे को टाइप रो डेटा स्टोर हो ना इंटीजर टाइप रो डेटा स्टोर हो ओनली नंबर वैल्यू स्टोर हो तो एबे जते बेले तुम्हें जो ए इक्वल टू सपोज गोटे नेम दे दूचे ए इक्वल टू सपोज राजा दे देले तेल ये कौन सैटिस्फाई कर कि प्रोग्राम रे ना तो राजा जो नेमटा अच्छे ये हूँ आम स्ट्रिंग वैल्यू बा कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर वैल्यू आम कैरेक्टर टाइप डाटा टाइप आमर ओके बट इंट एटा को टाइप डाटा टाइप ना इंट टाइप डाटा टाइप तो ये आम कौन रहा कथा ना नंबर रहा कथा जदि मुझे रखी ए इक्वाल टू 30 देन इट इज करेक्ट ओके तो आम जान ली आम कि वैल्यू न देले भी आम जना पड़ज कि आम जो वेरिएबलटा आम प्रोग्राम रे यूज करूचे से कौ टाइप रो डाटा टाइप एंड कौ टाइप रो डेटा से स्टोर करके रखिबो ओके बुझेल तो नेक्स्ट देखा देन अच्छे कौन एटा मन रख प्रिमिटिव एंड बिल्ट इन डाटा टाइप कौन जो डेटा टाइप गुराक ऑलरेडी सी प्लस प्लस कंपाइलर रे स्टोर होके अच्छी एंड यूजर कौन कर डायरेक्ट यूज करो टाइम वेरिएबल
डिक्लेरेशन टाइम रे वेरिएबल डिक्लेयर जिते बेले करू से तो बेले डायरेक्ट ए डेटा टाइप सब यूज करू किए ना यूजर ओके देन कौन अच्छी ना डिराइव डेटा टाइप माने कौन द डेटा टाइप दैट आर डिराइव फ्रॉम द प्रिमिटिव और बिल्ट इन डेटा टाइप जो डेटा टाइप ये सब डेटा टाइप को लेकिन तैयारी डेटा टाइप रु डिराइव होती कौन कह जाए डिराइव डेटा टाइप ओके कौन कौन अच्छी जनरली आमर फंक्शन एरे पॉइंटर रेफरेंस ये चारिटा टाइप रो डेटा टाइप अच्छे आमर कौटे ना डिराइव डेटा टाइप अंदर आसो तो आम जो पढ़ा आग को तुम्हारो ओनली एरे एंड पॉइंटर में भी अच्छी फंक्शन तुम्हारो नहीं कि रेफरेंस भी नहीं आम एरे एंड पॉइंटर उपरे आग को पढ़ा ओके तो सिंपल बुझ प्रिमिटिव ऑलरेडी स्टोर होती प्रिमिटिव रु डिराइव बा प्रिमिटिव डेटा टाइप रु ही क्रिएट हो डिराइव डेटा टाइप एंड लास्ट वन हूँ अब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप अब्स्ट्रैक्ट एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कौन कौन द डाटा टाइप व्हिच आर डिफाइंड बाय यूजर इट्सेल्फ जो डेटा टाइप को यूजर निजे डिफाइन करिबो बा निजे नेम दबो निजे तार गोटे टाइप दब को टाइप रो डेटा रहिबो ता भितरे निजे नेम जो दउची यूजर निजे डेटा टाइप क्रिएट करउची ओके डिफाइन के करिबो एटी यूजर डिफाइन करिबो सेतिपई ता ना कोन ना यूजर डिफाइन डेटा टाइप देखो डेफिनेशन मन रखियो बहुत इजी तो डिराइव हो मैंने कौटू डिराइव ना प्रिमिटिव रू डिराइव यूजर डिफाइन मैंने कौन जो डेटा टाइप को यूजर डिफाइन यूजर डिफाइन डाटा टाइप कह जाए ओके तमर कौन कौन यूजर डिफाइन डाटा टाइप अच्छी ना क्लास स्ट्रक्चर यूनियन एनम एंड टाइप टाइप एटी डिफाइन डेटा टाइप तो आमर ओनली आम पढ़वा क्लास स्ट्रक्चर एंड यूनियन एनम ये चारिटा आम पढ़ा यटा आम पढ़वानी ओके तो आमर सिंपल आम जो प्रोग्राम करवा भी आम क्लास स्ट्रक्चर ही पढ़वा यूनियन एनम आम पढ़वानी ओके देन एवं नेक्स्ट देखा वन बाय वन डाटा टाइप को डिस्कस करवा फर्स्ट डिस्कस करवा प्रिमिटिव डाटा टाइप जहाँ सब डाटा टाइप अच्छी से डाटा टाइप को टाइप वैल्यू रखुची तार साइज केते ओके तो साइज मन रखा निहाती दरकार मे बी तुम क्वेश्चन आसीपे प्रोग्राम छोटिया छोटिया प्रोग्राम आसीपे क्वेश्चन आसीपे जे जदि इंटीजर टाइप अच्छी तो सपोज तुम्हें जो कतरा इंटीजर रखिले तुमको मेमोरी साइज केते दरकार पड़ो ओके ये टाइप रे किसी बेसिक एंड सिंपल क्वेश्चन तुम आसे सी प्लस प्लस रे तो डाटा टाइप रो क्वेश्चन भी बहुत आसे आमर एंड जितेबाला तुम प्रैक्टिकल हम एक्सटर्नल भी प्राय मैक्सिमम टाइम डेटा टाइप उपरे क्वेश्चन पचार ओके तो देख जो इंटीजर इंटीजर हूँ आमर डेटा टाइप को डेटा टाइप ना प्रिमेटिव डेटा टाइप तर डेटा टाइप की वर्ड कौन की वर्ड हूँ आमर इंट एंड केते साइज दरकार पड़े देखो ना 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस ओके इंटीजर रो मेमोरी साइज केते नहीं है से ना 4 बाइट नहीं तो ये मन रखिबो इंटीजर डाटा टाइप रो कीवर्ड कौन बा कीवर्ड होची इंट एंड मेमोरी साइज होची 4 रेंज मन रखिबे दरकार नहीं किछि ओनली हमें मेमोरी साइज देखिबा ओके मेमोरी साइज माने हमें जो इंटीजर टाइप रो वैल्यू दबा कौथे ना वेरिएबल रे डिक्लेयर करबो ते से केते साइज नबो ना 4 बाइट रो साइज नबो मेमोरी स्पेस तार नबो ओके आमे जानचू जते बेले भी आमे किछि प्रोग्राम करूचे बा किछि भी डेटा स्टोर करूचे आमे कोठी स्टोर करूचे मेमोरी रे ही स्टोर करूचे तो मेमोरी रे स्टोर करिया पे आमे किछि स्पेस दरकार ओके तो बाइट कोन जानिथिबो बाइट बिट ए सब जिनस प्राय तो बेसिक कांसेप्ट सब कंप्यूटर रो होपफुली सब क्लियर थी जदि यापर कौन से डाउट अच्छी देन वीडियो देखला परे मते क्वेश्चन करिवो मैं जदि तुम्हारा बिट बाइट ये सब जिन किसी जाइन ओके तो या रिगार्डिंग आ गोटे बेसिक क्लास भी करदब ओके देख नेक्स्ट हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप कैरेक्टर डेटा टाइप हूँ आमर कौन ना कैरेक्टर डेटा टाइप इज यूज टू स्टोरिंग कैरेक्टर कौन पे कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कराए ना कैरेक्टर को स्टोर करने कीवर्ड कौन यूज हुए ना कैर कीवर्ड यूज हुए एंड केते बाइट रो मेमोरी स्पेस रखे ना यूज करे
ना 1 byte रो typically required 1 byte the character केते दरकार memory ना 1 byte रो memory space दरकार and range केते हमारो 128 to 127 or sorry 128 to 127 or 0 to 255 हमारे इतनी क्या हमारा range रहूँगी okay then हमें देखिवा सिंपल देखो कीवर्ड उरे को मन रखो जिमते के हमें पे डिक्लेअर करिवा जति कैर वैल्यू जते बड़ा डिक्लेअर करिवा हमें कौन करिवा ना सी एच ए आर कैर सी एच ओके कैर सी एच इक्वल टू सपोज मो चाहुची नम किछि अल्फाबेटिकल नेम ने भी बा मो किछि स्टूडेंट मान कर नेम नेम ने भी तो सी एच इक्वल टू मो कौन ने भी ना गुटे एरे भितर मुझोर कर देख आउ गोटे जिन मन रख कैर भितर क्यारेक्टर डाटा टाइप जो आसमें गोटे स्ट्रिंग डाटा टाइप भी अच्छे स्ट्रिंग डाटा टाइप जानवा भी निहाती दरकार जो क्यार जानू क्यारेक्टर डाटा टाइप जानूचे तो क्यारेक्टर डाटा टाइप रुईटा रोच गोटे हूँ क्यार एंड आउ गोटे स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग कौन स्ट्रिंग हूँ कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर जितेबाला सिंपल आम जेनराल आलफाबेट यूज करूचे सपोज ए टी वाई एमती जो किसी आम जेनराल आम आलफाबेट यूज करे देन से आम क्यारेक्टर हिसाब से कनसीडर कराऊे बट जो आम कहे स्ट्रिंग स्ट्रिंग माने जो स्टूडेंट नेम गोटे नेम जो रहा सपोज रोहित रोहित इज अ नेम तो रोहित जो आमर अच्छी नेम अच्छी नेमटा कौन कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर बहुत गुड़े क्यारेक्टर मिसिकी गोटे नेम क्रिएट देन आपको कौन कहा जाए ना स्ट्रिंग कहा जाए स्ट्रिंग रो डेफिनेशन सिंपल बुझी था स्ट्रिंग इज द कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर बहुत गुड़े कैरेक्टर रो समाहार को कौन कहा जाए ना स्ट्रिंग कहा जाए ओके तो नेक्स्ट देखा बुलियन डाटा टाइप यूज टू स्टोर बुलियन और लॉजिकल वैल्यू तो आमर जो बुलियन रो वैल्यू कौन ना ट्रू फॉल्स वैल्यू जो आमर ट्रू फॉल्स पढ़ी थे तुम्हें तो बुलियन डाटा टाइप कौन करुच्ची ना ओनली लॉजिकल वैल्यू ही स्टोर करुच्ची तो वेरिएबल आइदर ट्रू रहिबो और फॉल्स रहिबो ट्रू फॉल्स रिलेटेड जहाँ भी आमर किसी डाटा टाइप आसला तो सही टाइम रे आमर कौन रहिबो ना कौन कहते ना बुलियन डाटा टाइप कह जाए ट्रू फॉल्स डाटा टाइप देन यार कीवर्ड कौन ना कीवर्ड यूज होची बुल यहाँ मन रखी कीवर्ड यूज हो कौन ना बुल क्यार कौन क्यार इंटीजर रंट ओके तो मैं कलर कर दूची तुम्हें हाइलाइट कर दूची मुझे हाइलाइटर दे दूची ओके देन क्यार रोची क्यार देन बुलेन रोची बुल देन फ्लोट रो फ्लोटिंग पॉइंट रोचे फ्लोट ओके डबल फ्लोटिंग पॉइंट रोची डबल ओके एंड वॉइड रे तो जानी वॉइड हूँ वॉइड निजे ही वैल्यू ओके एंड एटा कौन एटा हूँ व्हाइट कैरेक्टर रो व्हाइट कैरेक्टर रो कौन कीवर्ड तो नेक्स्ट देखा आम फ्लोटिंग पॉइंट तो फ्लोटिंग पॉइंट कौन कहे फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डेसिमल वैल्यू सपोज आमर किसी डेसिमल वैल्यू आसला ये होल नंबर जाक आम जहाँ कौटे रो इंटीजर रपोज किसी नंबर आसला मोर सपोज 5.6 आसला और आमर आसला 78.9 तो ये वैल्यू आमर रोच टाइप वैल्यू आमर इंटीजर आम डिक्लेयर करवा ना इंटीजर रे केबे भी ए टाइप रो डेसिमल वैल्यू स्टोर हो रुहे ना तापई आमर आउ गोटे डेटा टाइप यूज होउची कौन ना फ्लोट सपोज आम डिक्लेयर करे फ्लोट फ्लोट ए इक्वल टू सपोज फ्लोट ए देचे एंड ए समीकरण दे देचे ओके ता माने ए होउची गोटे वेरिएबल जे को टाइप रो डेटा स्टोर करके रखिबो ना फ्लोट टाइप रो डेटा टाइप माने डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रखिबो तो एबे हमें जते डिक्लेयर करिबा ए इक्वल टू इनिशियलाइज करिबा ए को
ଯଦି 67.9 ବୋଲି ଇନିସିଆଲାଇଜ୍ କଲି ତା ମାନେ କ'ଣ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ହିଁ ଅଛି ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ଲୋଟ୍ କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା ଫ୍ଲୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର ଫ୍ଲୋଟ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଦେନ୍ ଦ ଭେରିଏବୁଲ୍ ଟିପିକାଲି ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଭେରିଏବୁଲ୍ କେତେ ସାଇଜ୍ କେତେ ଦରକାର ତାକୁ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଦରକାର ନା 4 ବାଇଟ୍ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ବାଇଟ୍ ଦରକାର ନା ଆମର ଏଇଟା 4 ବାଇଟ୍ର ଦରକାର ଆଣ୍ଡ ବୁଲେନ୍ର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ହିଁ ଯିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ର କେତେ ରହୁଛି ନା ଏଇଟା 1 ବାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟିଜର୍ ଆମର କେତେ ବାଇଟ୍ ରହୁଛି ଇଣ୍ଟିଜର୍ଟା ଆମର 4 ବାଇଟ୍ ରହୁଛି ତ ୟା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସବ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସେ ଆମର ଦେନ୍ ଦେଖ ଦେନ୍ ହେଉଛି ଡବଲ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଡବଲ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ବା ଡବଲ୍ ବି କୁହାଯାଏ ତ ଡବଲ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଷ୍ଟୋର୍ ଡବଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଅର୍ ଡେସିମାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଇଏ ବି ଆମର ଡେସିମାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରଖିବ ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ୍ ଭିତରେ ୟାର କ'ଣ ମେମୋରି ସାଇଜ୍ ଅଲଗା ଇଏ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜର ଭାଲ୍ୟୁ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିବ ଓକେ ଦ କିୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ଡବଲ୍ ୟାର କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ନା ଡବଲ୍ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଣ୍ଡ ଭେରିଏବୁଲ୍ କେତେ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ନେଉଛି ନା 8 ବାଇଟ୍ର ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ନେଉଛି ଓକେ ସେତିକି ଓନ୍ଲି ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର କେଉଁ ଡେଟା ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରଖୁଛି ଆଣ୍ଡ ତା'ର ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ କେତେ ଆଣ୍ଡ କେଉଁ କିୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଓକେ ତ ୱାର୍ଡ଼ ତ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ ୱାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭାଲ୍ୟୁ ତ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଏ ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ଇଏ କୌଣସି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଏ ନାହିଁ ୱାର୍ଡ଼ କିଛି ବି ଭାଲ୍ୟୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଆମର ଓକେ ୱାର୍ଡ଼ଟା କେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଉଛି ମେନ୍ ମେଥଡ଼ ସହିତ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେନ୍ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ୱାର୍ଡ଼ ମେନ୍ ମେଥଡ଼ ସହିତ ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଡେଟା ଟାଇପ୍ ଓକେ ଇଟ୍ ରିଟର୍ନ ନଥିଙ୍ଗ ଓକେ ଦେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଦୋଜ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଇଜ୍ ଡୋଜ୍ ନଟ୍ ରିଟର୍ନ ଏ ଭାଲ୍ୟୁ ତ ୱାର୍ଡ଼ ଡେଟା ଟାଇପ୍ଟା ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେଇ ଫଙ୍କସନ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାର କୌଣସି ରିଟର୍ନ ଭାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା କିଛି ରିଟର୍ନ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମର ସେଥିରେ କୌଣସି ବି ରିଟର୍ନ ଭାଲ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ ୱାର୍ଡ଼ ମିନ୍ସ ନଥିଙ୍ଗ ଓକେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଭାଲ୍ୟୁ ଆମକୁ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ଭାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭାଲ୍ୟୁଲେସ୍ ଇଟ୍ ରିଟର୍ନ କିଛି ବି ରିଟର୍ନ କରେନି ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ଜିରୋ ବି ଆମର ରିଟର୍ନ କରେନି ଓକେ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଉପରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେନି ତୁମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି ଭିତରେ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବଟ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ସବୁତକ ତୁମକୁ ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମର ବୋର୍ଡ଼ରେ କେତେ ସେମିଷ୍ଟର୍ରେ ମେ ବି 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି କି 7 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତୁମର ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ ଯଦି 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସବୁ ଟାଇପ୍ର ଡେଟା ଟାଇପ୍କୁ ତୁମକୁ ମେନ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ କ'ଣ କହୁଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ବଟ୍ ଦିସ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ହାଜ୍ ଅ ସାଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ 8-ବିଟ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଦେନ୍ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ଇଏ ହେଉଛି ବି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ବଟ୍ ତା'ର ନର୍ମାଲ୍ ସାଇଜ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ କେତେ ନା 8-ବିଟ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ତା'ର ଇଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର୍ ଟି ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଜେନେରାଲି 2 ଅର୍ 4 ବାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ତା'ର କେତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଥାଏ ନା 2 ଅର୍ 4 ବାଇଟ୍ ଲଙ୍ଗ୍ର ଡେଟା ଟାଇପ୍ ଡେଟା ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖେ ମେମୋରି ସ୍ପେସ୍ ରୁହେ ଓକେ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଜେନେରାଲ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ତ ଏ ଜେନେରାଲ୍ ଡାଟା ଟାଇପ୍ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବା ତ ବେସିକ୍ କିଛି ବି ଲେନ୍ଦି କରନି ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟିଜର୍ରେ ଇଣ୍ଟିଜର୍ ଟାଇପ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ ମେମୋରି ସାଇଜ୍ 4 ବାଇଟ୍ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଟାଇପ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ କିୱାର୍ଡ କେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ 1 ବାଇଟ୍ ବୁଲେନ୍ରେ ଟ୍ରୁ ଫଲ୍ସ ରହିବ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ତା'ର ଟାଇପ୍ କ'ଣ ରହିବ କିୱାର୍ଡ କ'ଣ ରହିବ ବୁଲ୍ ରହିବ ସେମିତି ଫ୍ଲୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଡେସିମାଲ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ ବାଲା ବାସ୍ ସ୍ମଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଓକେ ତ ମେମୋରି ସାଇଜ୍ ରହିବ 4 ବାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡବଲ୍ କ'ଣ ନା ଡବଲ୍ ପ୍ରିସିସନ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ରହିବ ଆମର ତ ପ୍ରିସିସନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରିସିସନ୍ ବି ତୁମେ ଶୁଣିଥିବ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବି ପ୍ରାୟ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ତୁମର ଓକେ ଦେନ୍ ସାଇଜ୍ କେତେ ରହୁଛି
8 byte रो मेमोरी स्पेस नौचे देन void कौन void null return करिवो return nothing ओके गोटे null value ओके तेती के होचे हमर primitive data type एंड नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा आउ दी टाइप रो डेटा टाइप रो डिटेल्स डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ओके थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आ गोटे कथा जे तुम्हें जदि बाइट उपर कन्फ्यूज अच्छो बा या भितर कौन से टर्म तुमको डिफिकल्ट लगुच जोटा तुम्हें बुझी पार्न देन आज सुन एज पॉसिबल तुम डाउट क्लियर कर ओके तो मुझे बहुत ये बुझुची ओवरअली नौ कहीं बहुत गुड़े टर्म अच्छे जोटा कि तुम्हें अलरेडी पढ़ीच मैथ्रे भी तुम पढ़ीच तो से स्पीड अप करुच्छे जो तुमको स्लो प्रोसेस पढ़वर अच्छी देन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके थैंक यू।